क्या आपको पता है कि एक ऐसा जीव भी है हमारे इस दुनिया में जो कि अमर है? जी हाँ, जो कि बूढ़ा होने के बाद फिर से जवान हो सकता है। तो देखते रहिए स्टूडियो को, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहला नंबर फैक्ट है वो है कि ओलंपिक में एक एथलीट था जिसका नाम था दिमित्रियोस लूद्रास, जिन्होंने तीसरे स्थान पर आया था ओलंपिक में एथलीट में 1896 में। और सबसे बड़ी बात कि वो एक 10 साल का छोटा बच्चा था। जी हाँ, आपने सही सुना, वो एक 10 साल का छोटा बच्चा था जिसने ऐसा एक रिकॉर्ड कायम किया था। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते सेकेंड नंबर फैक्ट की ओर। गाना कौन नहीं सुनता? जी हाँ, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना गाना जो है वो एक पत्थर पे खुदाई करके लिखा गया है। जी हाँ, जो कि 3,400 साल पुराना गाना है। और यह 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुरियन हाइमन नंबर 6 नाम से इस गाने को बोला जाता है, ठीक है। और जो सबसे शुरुआती धुन जो है वो इसे माना जाता है, इस गाने को। और यह गाना मिट्टी की जो दीवार है उस पे क्यूनिफॉर्म में अंकित किया गया था। और यहाँ अभी भी प्राचीन शहर उर्गिट, जो कि आज सीरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे खुदाई करके ये जो मिला था ये गाना। और इसको माइकल लेवी द्वारा भी इसको धुन बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते थर्ड नंबर की ओर। एक मेलमैन ने फ्रांस में एक महल बनाया। मेलमैन, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो डाक या फिर जो डाक का काम करते हैं, जो चिट्ठी आपकी जो चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन्होंने ऐसे ही एक डाकिया थे जिन्होंने लगभग 34 वर्षों से ला प्लाजा आइडियल नाम का एक महल बना दिया था। उन्होंने 34 वर्षों से बस डाक का काम करके, और वे जो महल था ये लगभग 86 फुट लंबा, 33 फुट ऊंचा और 30 मील दक्षिण में लियोन चट्टानों से बना था। जी हाँ, और 19वीं सदी में ये सबसे बड़ी जो है कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा उस व्यक्ति को सम्मान प्राप्त हुआ था इस काम के लिए। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते चौथे नंबर की ओर। हाँ, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा आदमी जो था वो 2006 में जियोन वू नाम का था, बायो जियोन वू, ठीक है। तो उन्होंने एक एक बार एक छोटे से डॉल्फिन के जोड़े को बचाया था मरने से। एक डॉल्फिन का जो जोड़ा था, उन्होंने एक प्लास्टिक के शार्क थी यानी प्लास्टिक का शार्क उसको निगल लिया था, जिसको कि उनके पेट से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ये जो चरवाहे थे यानी ये जो जियोन हु थे, उनकी लंबी हाथों से उन्होंने उस प्लास्टिक को निकाल के उन पेंगुइन्स को बचा लिया था। तो चलिए बढ़ते 5 नंबर की ओर। जेलीफिश की एक प्रजाति है जो कभी नहीं मरती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जो प्रजाति है इसका नाम है टूरिटोपसिस, टूरिटोपसिस, हाँ इंग्लिश मेरा थोड़ा गंदा है, मेरे को माफ करना, ठीक है। और इसे ऐसा भी बोलते हैं कोलिकुलिया, कोलिकुली, ठीक है, जो कि एक अमर जल जीव है, जिसे अमर जल जीव भी कहते हैं, क्योंकि एक ऐसी जेलीफिश है जो कि वैक्स यानी पूरी तरह से वयस्क यानी मर्द बनने के बाद, मर्द नहीं दोस्तों, हाँ किशोर बन जाता है, यानी बूढ़ा होने के बाद फिर से वापस किशोर अवस्था में आ जाता है, यानी कि यंग हॉट बन जाता है फिर से, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी, लिटरली कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आपको पता है कि घंटा बजा दो दोस्तों, जिंदगी से लाल रंग को ख़त्म करो, खतरा इज लाल दोस्तों। सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दो, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी विथ मी।